नाम है रामेश्वर और आप देख रहे हैं इज ऑन नेट। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमने नोटपैड के बारे में देखा है। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्डपैड क्या है, वर्डपैड के यूज़ेस क्या है और नोटपैड और वर्डपैड में फ़र्क क्या है ना। तो सबसे पहले इसे ओपन करने के लिए हम तीन तरीके इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जिसे विंडोज़ बटन भी कहते हैं, तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह से विंडोज़ 10 में इंटरफेस नज़र आएगा, जो हर विंडोज़ वर्जन से अलग अलग मिलेगा आपको। हर विंडोज़ में अलग अलग इंटरफेस मिलेगा। तो हमारे पास है ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है ना। इसमें हमें देखना है कि हमारा वर्ड पैड कहाँ है। तो सबसे वर्ड पैड होगा नीचे, या तो नहीं विंडोज़ एक्सेसरीज, और यहाँ आप देखोगे वर्ड पैड है ना। तो इसको यहाँ सिंपल एक क्लिक करना है और हमारा वर्ड पैड ओपन हो चुका है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि आपको तो पता है अभी जिस तरह के से जिस तरीक़ों से आपने नोट पैड ओपन किया था, उसी तरीक़ों से आप वर्ड पैड ओपन कर सकते हो। ये होगा पहला है ना। अभी दूसरा जो वे है, ये यहाँ आप सिंपल टाइप कर सकते हो वर्ड पैड, ये हो गया दूसरा तरीका है ना। और इसका तीसरा एक तरीका है, ये तो दो तरीके हो गए। अभी तीसरा तरीका क्या है, सब सिंपल आपको क्लिक करना है विंडोज़ प्रेस की करके आर बटन, और यहाँ आपको एक रन कमांड, यहाँ आपको एक कमांड देना है। ये जो विंडो आई है ना, इसके अंदर आपको कमांड देना है। कमांड क्या देना है आपको, वर्ड पैड है ना। तो सिंपली क्लिक करने के बाद, इंटर करने के बाद आपको वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। ये हो गए तीन तरीके से वर्ड पैड ओपन करने के, तीन तरीके। अब हम देखेंगे इसमें हमें क्या बनाना है ना। तो इसमें हम टेक्स्ट टाइप के फाइल, पीडीएफ टाइप के फाइल, बुक लिखना, किताबें लिखना, इस तरीके की चीज़ें हम वर्ड पैड में कर सकते हैं। तो हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो नोट पैड में एक सिंपल आपको सीखने के लिए है नोट पैड, और वर्ड पैड उससे थोड़ा एडवांस है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी हम दोनों आपके सामने ओपन करके बताते हैं। तो ये नहीं चाहिए हमें यार, क्लिक करेंगे नोट पैड है ना, ये करेंगे ओपन। तो हमारा यहाँ नोट पैड ओपन हो चुका है ना। तो दोनों आपके सामने, दोनों इंटरफेस आपके सामने, वर्ड पैड इस साइड में है, नोट पैड इस साइड में है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है, तो यहाँ पे इसके जो मेन्यू है, मेनू के अंदर जो एट्रीब्यूट है इसके है ना। अब ये फाइल में आप देखोगे इतने एट्रीब्यूट है इसके, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, पेज सेटअप है, सेंड इन ईमेल है, अबाउट वर्ड पैड है, और एग्जिट है डायरेक्टली। और ये आप फाइल में देखोगे तो कुछ अलग तरीके का है ना, न्यू है, न्यू विंडो है, ओपन है, सेव एज है, पेज सेटअप है, प्रिंट है, एग्जिट है, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में है ना। ये हो गया फाइल मेनू के बारे में। अभी यहाँ दूसरे नंबर पे एडिट है, एडिट पे आप कुछ अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम डेट, इस तरह के कुछ चीज़ें जो एडिटिंग में आपको काम आती है। और यहाँ पे जो देखेंगे आप होम, जो यहाँ मेन्यू है, होम बटन के अंदर आपको जो है तो एक एडवांस टाइप के नोट पैड से एडवांस टाइप के एडिटिंग टूल ये आपको मिलेगा, जो आपके पेज की सेटअप, पेज अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, हर तरीके की चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। आपको यहाँ रूलर दिया जाता है, या जो नोट पैड में आपको नहीं दिया जाता। तो नोट पैड में जो आप टाइप करते हो उसको आप पेज सेटअप आपका जो है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे भी है ना, और इसमें भी कर सकते हैं, वर्ड पैड में भी, दोनों में सेम तरीके से कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस देखेंगे अभी, समझो आर ए एम ई एस एच, एम ई एस एच डब्ल्यू ए आर बी एन एस ओ डी, मैं हर बार मेरा नाम लिख रहा हूँ आपको समझ में आए इसलिए। और यहाँ पे भी टाइप करेंगे हम आर ए एम ई एस एच डब्ल्यू ए आर बी एन एस ओ डी ई, जो दोनों साइड में सेम नेम है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि नोट पैड में हम इसको किस किस टाइप से एडिट कर सकते हैं, एडिट में हमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ एक अंडू है, अंडू पे क्लिक करने के बाद जो हमारा, जो हमने पहले जो एक्टिविटी थी हमारा पहले स्टेप का, पहली स्टेप पे हम पहुँच जाएंगे। तो हम इसको सिंपली फिर से री अंडू कर देंगे। और दूसरा क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, सर्च विद बिंग, फाइंड, नेक्स्ट, रिप्लेस, ये तो आपको सब बताऊंगा मैं। फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या है, वर्ड पैड है ना,
वर्ल्ड रैप है। तो वर्ल्ड रैप के अंदर क्या है, समझो हमने इस नाम को क्लिक किया है ना, और वर्ल्ड रैप करने के बाद ये कुछ इस तरह से, कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट फॉन्ट। अब यहाँ से आपको फॉन्ट चेंज करने में सहायता होगी, ये किस टाइप में दिखेगा यह आप देख सकते हैं, ये यहाँ नहीं बताएगा, ये नोटपैड में बताएगा एडवांस, है ना, नोटपैड थोड़ा। तो यहाँ आप आपके जो फॉन्ट का जो डिज़ाइन है ना वो चेंज कर सकते हो, जो लुक है आपके फॉन्ट का वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप लोगे इटैलिक बोल्ड, बोल्ड विथ इटैलिक, तो ऐसा आप ले सकते हो जो आपको चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लेंगे, यहाँ आपके फॉन्ट का साइज़ मिलेगा। तो यहाँ आप 8 से लेके 72 तक, 8 से लेके 72 तक फॉन्ट साइज़ रखते हो, रख सकते हो। अगर आपको मैन्युअली कोई कुछ साइज़ टाइप करना है तो ये भी यहाँ कर सकते हो। 100 क्लिक करके तो 100 देखो कितना बड़ा हो चुका है ना। तो कुछ इस तरह कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखोगे, है ना। तो पिछले लेक्चर में खाली आपने इंट्रोडक्शन देखा था नोटपैड का, जो आप इस लेक्चर में नोटपैड का यूज़ भी देख रहे हो, इस तरीके से आप कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हो टेक्स्ट इसके अंदर। 72 को तो मैं बड़ा 28 रखेंगे, ये यहाँ वेस्टर्न स्टाइल है ना, यहाँ वेस्ट नहीं रखना है, ओके करना है। ये देख रहे हो किस तरह से एकदम मस्त नंबर एक दिख रहा है ना, इस तरीके से आपका फॉन्ट डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अब ये यहाँ देखेंगे तो वर्ल्ड पैंट के अंदर आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट के अंदर जाके फिर फॉन्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या डायरेक्टली आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली के अंदर आपको चूज़ करना है आपका डिज़ाइन, है ना। जिस तरीके से आपको आपका फॉन्ट का डिज़ाइन चाहिए, ये कुछ फॉन्ट है, ये अलग अलग टाइप के फॉन्ट है। इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एरियल, तो एरियल रखेंगे, या फिर हमें कोई माइक्रोसॉफ्ट का कुछ फॉन्ट रखेंगे, ये रखेंगे, है ना। इस तरीके से आप यहाँ वर्ड पैड में एक एडवांस लेवल को टेक्स्ट एडिटिंग करते हो, समझो। आपको मैं एक पेज बताऊंगा लिखने के लिए, आपको कमेंट, आपको एक मैं डिस्क्रिप्शन में पेज दूंगा जो आपको डेली टाइप करना है, और आपको टाइपिंग की भी आपकी, तो इस तरीके से आपको वर्ड पैड में कुछ एडवांस टूल मिलेंगे कुछ एडिटिंग के लिए। कुछ आपका यहाँ से कलर में आप जाके आपके फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ फॉन्ट साइज़ दिया है ये 72, सेम जैसा नोटपैड में था उसी टाइप में 8 से लेके 72 तक यहाँ फॉन्ट साइज़ है। मैन्युअली आप इसमें भी कुछ टाइप कर सकते हो, 100 है ये भी हो सकता है, हम दे देंगे 28, तो ये ओके है। अब नोटपैड का तो हो गया, अभी हम ये सेव और डोंट सेव, ये हमें पूछता है कि आप जो फाइल बनाए हो, आपने जो फाइल बनाया है इसको हमें सेव करना है या नहीं करना है। अगर सेव करना है तो सेव बटन पर क्लिक करें, और डोंट सेव करना है तो डोंट सेव पर क्लिक करें, या फिर कैंसिल करना है, ऐसे हमें कुछ एडिटिंग करना है तो हम कैंसिल करके एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ सेव नहीं करना, डोंट सेव करके हम कट कर देंगे। अभी यहाँ मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करके हम इसका पूरा सेटअप करेंगे, एक समझो हमें कुछ पेज सेटअप करना है ना, तो पूरा पेज सेटअप हम इस पे करेंगे। तो यह पेज सेटअप है, या करेंगे लेटर की जगह A4 साइज, ये हमें लैंडस्केप सीधा आड़ा, सिंपल लैंग्वेज में ये हमें खड़ा और आड़ा, ये दोनों लैंग्वेज में सिंपली हमें आड़ा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इन दोनों टाइप में हमें पेज यूज़ करने मिलेगा, लैंडस्केप यानी आड़ा, पोर्ट्रेट यानी खड़ा, है ना। तो यह वही रहने देंगे। अभी हमारा साइज़ जो A4 साइज़ होगा, जो रेगुलर हम पेज इस्तेमाल करते हैं, जो हम जिसके ऊपर प्रिंट निकाल के लाते हैं, है ना, वो साइज़ के ऊपर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखेंगे कल, या डोंट सेव।